ये सारी टोटली टैक्सीज खड़ी हैं, तो इनमें से भी एक टैक्सी हम करवा के, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जाएंगे अपने फिंगर करवाने, तो पहले नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर चलते हैं फिंगर करवाने। यहाँ पे सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा रश रहता है। यहाँ पे आलू वाला पराठा मिलता है, बहुत ही मज़े का। जब से मैं आया हूँ लगभग जब भी नाश्ता करना हो ना तो आलू वाला पराठा चलता है। एक ये होटल है, तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं अपने कासिम भाई और आसिम भाई, ये दोनों भाई हमारे साथ हैं। तो ये जो है ये पराठा बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। एक ये होटल है या एक और होटल है, वहाँ से हम लोगों ने खाना, ये जो है ये 2.50 का है, मतलब 2 दिरहम 50 से लेस में 2.5 दिरहम का, तो दूसरी जगह ये 3 दिरहम का। तो यहाँ पे जो करेंसी है वो अगर कॉइन की बात की जाए ना तो 25 फिलस है, 50 फिलस और 1 दिरहम, तो ये हमें मिला है जी 2.50 साथ ही रायता फ्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो अभी यहां से पकड़ते हैं कुछ टैक्सी और टैक्सी लेके फिर चलते हैं फिंगर ऑफिस, वहां पे जाके फिंगर करवा के तो फिर आते हैं वापस। यहाँ पर जो टैक्सी है बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि कल हम लोग हो के आए हैं ना। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहुँच आए और सामने व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत व्यू ये देखिए माशाल्लाह। ये सीन अभी तक बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन उम्मीद है आज हमारी बारी जो है वो आ जाएगी इंशाल्लाह। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 दिन के बाद हमारे फिंगर जो हैं वो हो चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोग वापस आ रहे हैं, वापसी भी हम लोग पैदल जाएँगे क्योंकि यहाँ से इतना दूर नहीं है, अगर पैदल जाएँ बहुत नज़दीक है, तो इसलिए हम लोग ने रास्ता जो है वो अब लगभग 3 दिन हुए डेली आते जाते तो हमें रास्ता याद है, इस वजह से हम लोग अभी यहाँ से पैदल जा रहे हैं वापस। पैदल जो सफ़र है वो लगभग 20 मिनट का, 20 मिनट में हम लोग हमारी ईरानी मस्जिद के सामने पहुँच जाएंगे अगर पैदल जाएं। गाड़ी में असल में सीन ऐसा कि यहाँ पर रोड जो है वो चक्कर लगा के आना पड़ता है, तो उस वजह से 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन पैदल जाएँ तो शॉर्टकट अगर लें ना तो 20 मिनट में हम लोग सीधा अपने रूम में पहुंच जाते हैं। तो चलो खैर अभी पैदल चलते हैं क्योंकि पैदल भी चलना चाहिए हमें यहाँ पे, उस वजह से जो है वो वर्जिश तो होती है, तो हम लोगों ने सोचा चलो पैदल चलते हैं साथ वर्जिश भी हो जाएगी। यहाँ पर मौसम की बात की जाए तो आजकल जो मौसम चल रहा है वो नॉर्मल है, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होती है, शाम को ठंड होती है, तो अभी जो दिन 11 होते हैं तो उसी वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर, 11 से 4 बजे के लगभग ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी जो है वो 9 है, अभी जो मौसम है वो बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छे वाला है, मतलब गर्मी फील नहीं हो रही। अगर थोड़ा सा और वेट करेंगे ना 1 घंटे तक तो गर्मी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे मौसम का कोई पता नहीं चलता, अचानक ज़्यादा गर्मी हो जाए, अचानक जो है वो ठंड हो जाए। ये रास्ते में विग मार्ट आती है, यहाँ से हर एक चीज़ मिल जाती है, बहुत बड़ी मार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग तकरीबन 2 बार घूम चुके हैं इस मार्ट में, ये हमारे बिल्कुल नज़दीक है, लगभग 5 मिनट लगते हैं। अभी आगे 5 मिनट का रास्ता है, आगे ना ईरानी मस्जिद है, वो सामने राउंड अबाउट है, उससे सीधा जाएं और साथ ही आगे ईरानी मस्जिद जो है ना वो सामने ही है। तो बिग मार्ट जो है बहुत बड़ी है, अभी तो हम लोग नहीं जाएँगे क्योंकि जाके अभी हम लोग अलमदीना जाएँगे, अलमदीना मार्केट जो है वो घूमेंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, इसका भी कभी विज़िट करेंगे। ये भी बहुत बड़ी मार्ट है, हम लोग 2 बार इसे घूम चुके हैं, बहुत अच्छी भी है, रिजनेबल। खैर दूसरों से ये तो मुझे अभी मालूम नहीं क्योंकि अभी रेट का जो है वो मुझे इतना ख़ास नहीं मालूम, लेकिन अगर जो भी चीज़ चाहिए हो वो यहाँ से मिल जाती है इस मार्ट से। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच आए लगभग 25 मिनट के बाद अपनी बहुत ही खूबसूरत ईरानी मस्जिद के पास। अभी सिचुएशन अगली जो है वो बाद में डिसाइड की जाएगी क्योंकि फिलहाल जाके ना अभी फ्रेश हुआ जाएगा, तकरीबन 3-4 किलोमीटर का सफ़र है जो हम लोग तय करके हैं, वो भी पैदल। तो खैर अभी चलते हैं, चल के थोड़ा सा रेस्ट किया जाएगा, तो वहाँ से आगे वापस अभी हम लोग जा रहे हैं कटिंग करवाने, और मेरे साथ हैं अपने बहुत ही प्यारे गाँव के दोस्त अब्दुल्ला भाई। जब मैं दुबई आया था उससे तकरीबन 10 दिन पहले अब्दुल्ला भाई आए थे, और अभी जो है ये हमारे बिल्कुल नज़दीक रहते हैं, तो तकरीबन 1-2 दिन के बाद हमारी मुलाकात अक्सरियत में होती रहती है, तो इसी वजह से अभी फिर दोबारा से मुलाकात हो गई। तो 1 मंथ तो हो गया मुझे यहाँ पे, लेकिन जो बियर्ड और कटिंग मैंने ना सिर्फ 1 दफ़ा करवाई थी, आज मैंने सोचा कि दोबारा से कटिंग करवाई जाए,
थोड़ा सा ना खुद को चेंज किया जाए। तो इसी सिलसिले में अब हम जा रहे हैं सलून पे। कटिंग होने के बाद अभी हमारी लुक ही चेंज हो चुकी, वो इस वजह से क्योंकि वो बाल गिरने की वजह से ना मैंने कटिंग थोड़ी सी चेंज, छोटे बाल करवा दिए क्योंकि यहाँ पे बालों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन इतने नहीं झड़ते थे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पहली एहतियात जो है वो अच्छी चीज़ है, तो उस वजह से मैंने ना कटिंग करवा के इसे छोटे करवा दिए। खैर जैसा भी है वैसे ठीक है, गुजारा कर रहा है। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं रूम में क्योंकि हमारा दोस्त जो है वो पाकिस्तान जा रहा है, तो उस सिलसिले में वो हमारा वेट कर रहा है। तो अभी चलते हैं जाके उसे अलविदा करते हैं। तो ये हैं जी हमारे भाई जो जिनके लिए हम वहाँ से जल्दी जल्दी से भाग गए, उमेर भाई, क्योंकि ये अभी जा रहे हैं पाकिस्तान में। ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ऐसे ही है ना ब्रो? फुल खुश ने ऐसे तरह ही है ना। चलो हूं इन्होंने ना नाल कामरान भाई भी आ गए, अपने बास भाई भी जेडे के आई है कुछ दिन पहला एंट्री हुई है इन्होंने। खैर हूँ बैग फड़ो इन्हों छड़ के आइए। हम मदीना मार्केट, यहाँ से हर एक चीज़ मिल जाती है, सब्जी फ्रूट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी से बड़ी गारमेंट्स वगैरह हर एक चीज़ यहाँ अवेलेबल है। एक फ्लोर इसका ऊपर है और एक ये नीचे है। यहाँ से तो यहाँ से हम लोग ये वाटिका में हेयर ऑयल चाहिए था क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बालों का प्रॉब्लम है, तो उस वजह से। इसके अलावा किसी और कंपनी में नहीं, जो अच्छे वाला ये अच्छा पक्की बात है ना। हाँ ठीक है, ये रखो, मतलब ये लगाएगा और बाल इतना बड़ा हो जाएगा। हाँ आप खुद भी लगाता है? आप लगाता है? अरे क्यों नहीं लगाता यार, कैसा यार तुम। ये लो एक तुम भी रखो। अरे यार हाँ ये भी ठीक है। चलो ऐसे हैं जी शुगर मेला लग रहा है, जब भी मार्केट के ना तकरीबन सारे वाकफकार हो गए हैं ना, सारे ना बहुत ज्यादा शुगर मेला है ये पूरा है। हाँ ठीक है मुश्किल नहीं है। इसमें गार्नियर किधर है? गार्नियर नहीं दूसरा मेंस। ये है जी यहाँ के 9 रुपए का। तो अभी फेस वॉश जो है यहाँ पे बहुत 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 ज्यादा महंगे है। ये 6 रुपए, ये निविया मेन जो है ये 27 रुपये, मतलब 28 रुपये का बन जाता है। और उसके बाद फिर हैंडसम जो है वो भी 27, 19, 20, इससे नीचे बात ही नहीं कर रहे ये लोग। हाय महंगाई इतने भी बड़ी है, इतने डबल है महंगाई उतने नालों पाकिस्तान नालों। असि आने पाकिस्तान महंगा है, इतने महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखा जाए हर किस्म की परफ्यूम जैसी भी आपको चाहिए हो, वैसे मैं रोलर इस्तेमाल करता हूँ वो भी निव्या का, तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एक फेयर हैंडसम, एक ऑयल। अभी फेस वॉश का थोड़ा सा मामला गड़बड़ चाहे क्योंकि इनका रेट जो है वो हाई है, इस वजह से हम लोग यहाँ से फेस वॉश लेने का नहीं सोच रहे। अभी जो जो लेना था वो तो हम लोगों ने ले चुके हैं। अभी आपको इस मार्केट का दूसरा फ्लोर भी दिखाते हैं, अभी चलते हैं दूसरे फ्लोर पर। यहाँ पर ऑफर्स बहुत ज़्यादा लगी होती हैं, जैसे कि ये अब ऑफर लगी है पूरा 8.70 का ना भाई, ये पूरा मतलब पैकेट 8 पूरा नहीं सारा समझ लो, मतलब ये 8 पीस हैं। ऐसे ना ऑफर्स बहुत ज़्यादा लगती हैं, मास्क और दूसरे जो अच्छी चीज़ें तकरीबन सब पे ऑफर्स लगती हैं। यहाँ पर ना ऑफर्स बहुत ज़्यादा, खासकर जुमेरात को बहुत ज़्यादा ऑफर्स लगती हैं। अच्छा मज़े की बात यहाँ पे ना, जिस भी आप मार्केट में चले जाओ वहाँ पे मोबाइलों की दुकान, फ्रूट्स वगैरह की दुकान, ये सारी शॉप्स वहाँ एक ही मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अभी यहाँ से बैग्स वगैरह वो सामने इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे शूज, पैंट शर्ट, इस तरह की क्लॉथ्स वगैरह हर किस्म की चीज़ अवेलेबल है दूर तक। विंटर जोन अभी ना असल में न्यू ईयर आने वाला, तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सी ऑफरें लगेंगी, वो इंशाल्लाह जब लगेंगे हम सब शॉपिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। देखा ना ये सारे शूज़, वो साथ जैकेट्स वगैरह, जब भी कोई पाकिस्तान या अपने मुल्क जाता है वहाँ पर असल में सर्दी है, तो यहाँ से ये सारा कुछ लेके जाता है। यहाँ पे एक शूज़ थे वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए,
वो शायद सेल हो चुके हैं। हाँ ये रे, ये वाली चीज बहुत जबरदस्त देखिए। अरे ये कोई रेट ही नहीं इनका, बहुत जबरदस्त। इंशाल्लाह लेंगे, अभी नहीं, अभी जब ऑफर लगे फिर शॉपिंग करेंगे सारी टोटल। अभी ये जो ट्रॉलीज में पड़ा होता है ना, ये सारा ऑफर में होता है। जितना भी माल ट्रॉली में पड़ा होगा वो सारा ऑफर में होगा, मतलब सस्ते में मिलेगा। बाकी जो डिस्प्ले होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है इनके मुकाबले में। बेडशीट्स, कंबल्स, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ पे इनकी क्वालिटी बुफर्स की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। ये सारे ना बुफर्स लगे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है इनकी क्वालिटी। एक फ़ायदा, अगर आप किसी भी मार्केट में चले जाएँ ना, वहीं से आपको सब कुछ टोटल सामान मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ से आपको जो भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, क्लॉथ वगैरह चाहिए, ऐसी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी यहाँ से अवेलेबल हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मार्केट है हमारे सामने, और है भी बहुत ज़्यादा बड़ी। अभी 120 भी है वहाँ से, बहुत ज़्यादा सस्ता है, इससे भी ज़्यादा सस्ती है, थोड़ी महंगी है वहाँ पे तो बिल्कुल ही सस्ती है। तो वो इंशाल्लाह उसका भी विज़िट आपको कभी करवाएंगे। तो अभी जो है वो जो लेना था वो ले लिया, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो आज का व्लॉग भी यहीं पे करते हैं ख़त्म। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।